नमस्कार दर्शकों, पेशाब में झाग आना, यूरिन में झाग आना बड़ी कॉमन समस्या है जो किडनी रोगियों में देखने को मिलती है। क्या ये किडनी खराब होने का लक्षण है? बिग क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा दिमाग में प्रश्न रहता है, क्या इससे किडनी खराब हो रही है, कैसी किडनी खराब नहीं हो रही, कंफ्यूज है हो रही है नहीं हो रही। आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि झाग जो होती है, कंफ्यूज करते हैं लोग कि झाग क्या होती है। झाग होती है जैसे आप यूरिन में अगर कर रहे हैं, पॉट में आप यूरिन कर रहे हैं, तो एक प्रकार की नेचुरल झाग होती है उसके अंदर जो बनती है पानी से मिलने पर। दूसरी प्रकार की झाग जो होती है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आती है, जिसमें प्रोटीन जा रहा होता है, वो किस प्रकार की होती है? वो होती है झाग जैसे सर्फ की झाग होती है, बुलबुले टाइप होते हैं, जैसे आप साबुन की झाग बनते हैं, उस तरह की अगर झाग पेशाब में आ रही है तो सावधान हो जाइए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की शुरुआत है, तुरंत जाके एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट कराइए अगर इस प्रकार की झाग आ रही है। अगर नॉर्मल झाग है, नहीं घबराने की जरूरत, साबुन जैसी झाग है, डिटर्जेंट जैसी झाग है, तो तुरंत आप टेस्ट कराइए उसके लिए।